बबलू तुमने बहुत बड़ी गलती की है। चेकमेट। ओए। डब्लू तुमने क्या किया? तुम बहुत गंदे भालू हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने एक बहुत बड़ी खबर सुनी है। जंगल का मशीन लगता बता रहा था रिजर्व लोगों को कुछ टूरिस्ट चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर एक प्रतियोगिता रख रहे हैं। मैं तो जरूर भाग लूंगा। भाई मैं तुम्हें टीवी पर दिखूंगा। टीवी पर? आओ बाबू लखा को देखने चले। चलो चले। देखा लखा मैं बेहतरीन मसाज देता हूँ, बस यह काम का होना चाहिए और उसे प्यारा भी होना चाहिए। हे लखा क्या मैं प्यारा नहीं दिखता हूँ? ओए लखा तुम्हारे लिए बिस्किट। ये अच्छा दिख रहा है, मुझे ये दिल वाला आकार अच्छा लगा। अपने आप खाओ लखा, जितना भी तुम्हें पसंद हो। नया मसीहा तो मैं ही बनूंगा। नहीं, मैं ही बनूंगा। चलो शुरू करो। क्या तुम आराम से हो? ये कैसा है? और जोर से। मुझे भी मदद करना है। क्या तुम ये बिस्किट और खाना चाहोगे लखा? ये लो। तुम तो मुझे मार दोगे। मेरा पेट भर गया, मेरा बदन दर्द ठीक हो गया, समझ गए? तुम सब भी ना। तो दिल का शेप इधर से बनाया जा रहा है। चले जाओ मेरे घर से, चले जाओ और बाहर रहना। लखा लखा बताओ हम लोग में से मसीहा कौन बनेगा? क्या वो मैं ही बनूंगा क्या? बहुत हुआ, हम प्रतियोगिता करेंगे तभी मैं बता सकता हूँ कि कौन है। प्रतियोगिता? डब्लू पार प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। कृपया स्वागत करिए अपने प्रतियोगियों का। मैं हूँ लखा, आपका नंबर वन होस्ट और जज। हमारे दूसरे जज हैं जो नंबर देंगे, बंटी और बबली। ये तो बहुत सम्मान की बात है। हमारी हमें तुम पे यकीन है। और बिना कोई हलचल के मैं शुरुआत करता हूँ आज की प्रतियोगिता की। मसीहा ताकतवर होना चाहिए, जरा ये देखो। ये वो कहाँ से लाया? अच्छा था, तुम्हें याद है? ओए बढ़िया बबलू, गजब का है। अच्छा
सब खत्म हो गया। ये तो बहुत बढ़िया है, कमाल कर दिया। देखिए तैयार हो, आज का मेरा अनोखा जलवा, मैं कुत्ता बनूंगा। क्या मैं जीत गया? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जीत गए। इसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। तुम पास हो और आखिरी राउंड है एक्टिंग से जुड़ा हुआ, और ये उनका आखिरी मौका है। तीनों को अपने घेरे में रहना है और हम बताएंगे कि करना क्या है, और अगर वो घेरे से बाहर हुए तो वो फेल हो जाएंगे। एक्शन। ठीक है, तुम जंगल में जा रहे हो और सूर्य चमक रहा है और तभी अचानक से बारिश होने लगती है। तुम अपनी छतरी खोलते हो पर वो टूटा है। तुम फिसलते हो, फिर गड्ढा मिलता है, फिर तुम गड्ढे में गिर जाते हो। कट। ठीक है डब्लू, तुम बाहर जाओ। क्या? लेकिन क्यों? अगर तुमने अपना घेरा छोड़ा तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। तुमने घेरा छोड़ा और तुम बाहर हुए। एक्शन। और अब तुम भीगे हुए और तुम्हें जुखाम हो गया है, तभी तुम्हें पता चलता है तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी चीख सोते हुए चीते को जगा देता है। ओए, ओए। वो तुम्हारी ओर दौड़ता है और तुम बचने के लिए लड़ते हो। फिर तुम चट्टान से गिर जाते हो, बाघ एक बच्चा बन जाता है और वो गायब हो जाता है। फिर तुम बादल में गिरते हो, फिर गरम चंद दिखता है और वो तुम पर हमला कर देता है। रामचंद अपने रक्षक को नीचे भेजता है और तुम उसके प्लेन पर चढ़ जाते हो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं ही मसीहा बनूंगा। मेरे लिए खुशी की बात है। ये सब क्या है? सपनों में भी नहीं। बबलो टेक के, अब ये सब बंद करो। ये सब करके तुम मसीहा नहीं बन सकते। जंगल में रहने का अपना मजा है। देखो ये खूबसूरत जहाँ, पर मेरे दिल में मेरा एक सपना अभी भी है। कुछ चीजें देखने का मैंने कभी नहीं देखा। पूरी दुनिया देखने अभी भी बाकी है और बहुत कुछ करने की तमन्ना है। ये आसान नहीं है, फिर भी कोशिश करना चाहिए। अपने पंख फैलाओ, उड़ना सीखना चाहिए। जीवन की खुशियाँ ढूंढनी है, बिना ढके बाहर का खजाना। हमारे सपने सच होंगे एक दिन। वक्त है अभी भी नए रास्ते ढूंढने के लिए। प्यार ही एक जरिया है। विश्वास रखो, अपने सपने सच होंगे। सपने सच होंगे। लड़ाई को खत्म होना है। मसीहा खुशी फैलाते हैं। खुशी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सब एक खुशहाल परिवार है। टेके, मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। कोई बात नहीं, बबलू मसीहा बनेगा। मुझे पता है किसे करना चाहिए, ये तो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने था। तुम दोनों बेहतरीन मसीहे हो। वाह, आज के विजेता हैं बंटी और बबली। तो ये है बबलू डब्लू पार्क के नए मसीहा। क्या बात है? ए लखा, तुमने हमारे लिए बहुत मेहनत की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं। वो तोते तो कमाल के हैं। हाउ स्वीट, वो पक्षी और जानवर जल्द ही मेरे कब्जे में होंगे।